नेक्स्ट है रिप्रेजेंट रूट 9.9 ऑन नंबर लाइन. इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ले लेनी है ए बी, उसको एक सेंटीमीटर और बढ़ा लो, इट्स सी. ठीक है, अब क्या करो, पूरी लाइन आपके पास 9.3 प्लस 1 कितनी होगी, 10.3. इस पूरी लाइन का बायसेक्टर ड्रॉ कर लो. बायसेक्टर ड्रॉ करना आता है, छोटे क्लासेस में आप सीख चुके हैं. आधे से ज़्यादा कंपास खोलो, यानी अंदाजे से 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर के करीब कंपास खोलो. यहाँ से भी एक आर्क लगाओ ए पे रख के, नीचे भी ऊपर भी, और एक आर्क सी पे रख के लगाओ ऊपर भी नीचे भी. ये आपको एक मिड पॉइंट मिल जाएगा, दिस वन, राइट, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन. नाउ मिड पॉइंट पे कंपास रखो, ए जितनी खोलो, यहाँ से ए जितनी कंपास खोल के और इस पॉइंट पे रख के आर्क लगा दो ऐसे. वो ए को भी टच करेगी, सी को भी टच करेगी, क्यों, क्योंकि वो दोनों का मिड पॉइंट था. ठीक, अब बी पे 90 का एंगल बना लो, चाहे डी से बनाओ चाहे कंपास से बनाओ. 90 का एंगल जहाँ मिल रहा है उतनी कंपास खोलो, बी पे रख के बी डी जितनी कंपास खोल के ऐसे, और एक आर्क लगा दो यूं. बी पे रखकर डी जितनी कंपास खोल के आर्क लगा लो ई तक. ये जो आपका बी ई है ये रूट 9.3 है. एक और सम सेम बता रही हूँ मैं, रूट 3.1. पहले क्या करोगे, 3.1 लाइन ले लोगे ए बी, सेम एक सेंटीमीटर फालतू, दिस इज वन. नाउ आधे से ज़्यादा कंपास खोलना, 3.1 और एक कितना हो गया, 4.1, तो आधे से ज़्यादा यानी तीन के करीब कंपास खोलो. पाँच का आधा वैसे 2.5 होता है, तो आप तीन के करीब कंपास खोल के यहाँ रख के भी आर्क लगाओ और यहाँ रख के भी आर्क लगाओ, ये आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा. यहाँ रख के इतनी कंपास खोल के एक आर्क लगा देना, ये आपको सी पॉइंट पे मिलेगी. फिर बी पे 90 का एंगल डी से बना लो बेशक, या कंपास से, आपकी मर्जी है, डी से बना सकते हो कंपास से भी. बी से डी जितनी कंपास खोल के एक आर्क लगा लेना, वो ई पॉइंट पे मिलेगी, और जो ये बी ई है वो आपका रूट 3.1 होगा. क्लियर, समझ आ गया सबको. नेक्स्ट इज रैशनलाइज. रैशनलाइज 1/√7. जब रैशनलाइज करते हैं ना, अगर नीचे सिंगल नंबर हो ना डिनोमिनेटर में, तो हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं. किससे करेंगे, √7/√7. ठीक है, √7 को 1 से मल्टीप्लाई किया √7, और नीचे √7 को √7 से मल्टीप्लाई किया √7 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, √7/7 आंसर. इन क्वेश्चंस में आपने ये ध्यान रखना है कि आपका न्यूमिनेटर में रूट वाला नंबर आ सकता है, बट डिनोमिनेटर में होल नंबर होना चाहिए, रूट वाला कोई नंबर नहीं होगा, राइट. इसीलिए हमने उसको रैशनलाइज किया, क्योंकि पहले आपका क्वेश्चन में जो था डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर था. नेक्स्ट है 1/10. इनमें कैसे रैशनलाइज करते हैं, जो साइन मिड में होता है उसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी √7 - √6 है, तो रैशनलाइजिंग यहाँ लिखोगे √7 + √6. कैसे, जो भी यहाँ साइन था उसका अपोजिट साइन लेके उसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. 1 से किसी को मल्टीप्लाई करो सेम नंबर, नीचे आइडेंटिटी बन रही है a - ba + b, √7 का स्क्वायर - √6 का स्क्वायर. ऊपर आ गया √7 + √6, नीचे आ गया 7 - 6 1, यानी आंसर आ गया आपका √7 + √6/1, राइट, क्लियर. सी पार्ट, अब इसको रैशनलाइज कर रही हूँ मैं, 1/√5 + 2 into अपोजिट साइन लेना है, माइनस माइनस ले लिए, ऊपर क्या आया √5 - √2, नीचे √5 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, देखो सबके डिनोमिनेटर में एक होल नंबर आ रहा है, किसी के डिनोमिनेटर में रूट वाला नंबर नहीं आ रहा. लास्ट पार्ट रैशनलाइजिंग, अपोजिट साइन लिया √7 + 2, √7 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर, √7 + 2, 7 - 4, √7 + 2/3 आंसर. अब आपने क्या ऑब्जर्व किया, डिनोमिनेटर में हमेशा a² - b² की आइडेंटिटी बनेगी ही बनेगी. अगर नहीं बन रही, इट मीन्स यू हैव डन समथिंग रॉन्ग.